हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सबको मैरी क्रिसमस। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कि हम क्रिसमस किस तरीके से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं कोलकाता में पार्क स्ट्रीट, जहाँ पर बहुत ही सुंदर लाइटिंग की जाती है। वहाँ पर बहुत सारे चर्चेज हैं जिन्हें बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया जाता है। तो आज का क्रिसमस हम वही सेलिब्रेट करेंगे और आपको भी मैं वहाँ का सारा व्यू दिखाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। कहीं भी पार्किंग की कोई फैसिलिटी नहीं है पार्क स्ट्रीट में क्रिसमस के फेस्टिवल के दौरान। तो लेट्स सी कहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। जैसा कि हमें पार्किंग की कोई फैसिलिटीज़ नहीं दिखी, तो हम यहाँ पर आए प्रेस क्लब ऑफ कोलकाता। इसके बाहर हमें पार्किंग की फैसिलिटीज़ मिली एंड हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क की और हम अंदर आए, क्योंकि यहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था एंड आर्ट एंड क्राफ्ट का काफ़ी सारा सामान भी हमें देखने को मिला। इस प्रोग्राम को देखने के बाद हम आगे बढ़े और पार्क स्ट्रीट में ये खूबसूरत लाइट्स हमें देखने को मिली। तो फाइनली हम पार्क स्ट्रीट में उस प्लेस पर आ गए हैं जहाँ से मेन लाइट्स शुरू होंगी, जहाँ से मेन डेकोरेशन शुरू होगी। मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहीं से शुरू होगा। जस्ट लेफ्ट को मुड़ना है एंड देन हमें बहुत खूबसूरत लाइट्स देखने को मिलेंगी। मैं भी देखूंगी, आपको भी दिखाऊंगी और आई एम श्योर आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। पार्क स्ट्रीट में इतने अच्छे फॉलिंग मोमेंट स्पेंड करने के बाद हम यहाँ पर आए बर्गर किंग और यहाँ पर हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। तो
ये था हमारा आज का दिन, ऐसे हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है। यहाँ पर अभी हम आए हैं बर्गर किंग और इसके बाद अब हम जा रहे हैं, मगर रास्ते में अगर कुछ और देखने को मिलेगा तो हम देखेंगे। तो यही मैं वाइंड अप करती हूँ आज का अपना ये ब्लॉग। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।